नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीबीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मिश्री की। दोस्तों, सीरियल मिश्री की कहानी में ना वाणी और राघव के बीच गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। राघव अब मिश्री के कहने पर और मिश्री की वजह से मान सकते हैं हम लोग वाणी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने में लग चुका है, क्योंकि वो वाणी से प्यार करता था और वाणी भी अब राघव से प्यार करती थी। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्तों में खटास आ गई थी, जो दूरियां आ गई थी, जो खिंचाव आ गया था, अब राघव उसे ठीक कर रहा है धीरे धीरे ही सही, पर दोनों के बीच अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। जैसे चित्रा बुआ जो है वो जो है नहीं चाहती कि राघव की ज़िंदगी में खुशियाँ, उन्हें एक अलग ही प्रकार की चिढ़ हो रही है राघव और हमारी प्यारी वाणी की जोड़ी से। इधर मिश्री को मजबूरन राघव और वाणी के रिश्ते के बीच से जाना पड़ा है, लेकिन पार्वती जो सारा सच जानती है कि राघव की पत्नी है मिश्री, ऐसे में पार्वती मिश्री को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हैं और वो अब घर छोड़कर जा चुकी है, कहीं मिल नहीं रही है और पहले भी मिश्री के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। ऐसे में ना पार्वती को मिश्री की बहुत चिंता सता रही है और वो पार्वती जो है मिश्री को लेकर काफ़ी टेंस है। ऐसे में राघव मिलता है उसे और मिश्री को लेकर ना पार्वती राघव से बात करती है और राघव कहता है कि माँ प्लीज़ आप मुझे ना मिश्री को लेकर मत कुछ कहिए, अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। लेकिन यहाँ पर कहती है हमारी पार्वती कि तुम्हारी वजह से, उस पर इल्ज़ाम लगाती है, ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से आज मिश्री घर पर नहीं है और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ फिर से कोई अनहोनी हो जाए, हादसा हो जाए वगैरह वगैरह। तो राघव के मन में ना मिश्री को लेकर टेंशन डालती है हमारी पार्वती। इसके बाद राघव उस इंसिडेंट को याद करता है कि हाँ मिश्री के साथ इस तरीके के इंसिडेंट हो चुका है और अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा वगैरह वगैरह सोचता है और निकल पड़ता है मिश्री को ढूंढने के लिए। और फिर वो मिश्री को ढूंढकर लाएगा या नहीं लाएगा, या वाकई में मिश्री की किडनैपिंग का ट्विस्ट आ गया है शो में, ये आगे आने वाले ट्रैक में पता चलेगा। पर तब तक आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे चैनल टेलीबीप्स के साथ और देखते रहिए अपने मनपसंदीदा शो से जुड़े लेटेस्ट अपडेट।